अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे मसूर की दाल और तुरई की सब्ज़ी। तो इसके लिए हमने 200 ग्राम मसूर की दाल ली है, इसको वॉश करने के बाद पानी में भिगो दिया है। 500 ग्राम हमने तुरई ली है, इसको छीलने के बाद इसको भी पानी में भिगो दिया है। मसाले में हमने लिए हैं 2 मीडियम साइज़ के प्याज, जिनका पेस्ट बना लिया है। 2 से 3 टेबल स्पून इसमें जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है। 1 टी स्पून हल्दी पाउडर लिया है। 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर लिया है। आप अपने हिसाब से लीजिए जितना आपको पसंद हो, और नमक भी अपने टेस्ट के हिसाब से लीजिए। खड़े मसालों में लिया है 1 तेज़पत्ता, 1 बड़ी इलायची, 4 से 5 लौंग, 1/2 टीस्पून काली मिर्ची, 1 टुकड़ा दालचीनी। गार्निश के लिए हरा धनिया लिया है, कुकिंग ऑयल लिया है और ज़रूरत के मुताबिक पानी यूज़ करेंगे। अब हम रख देते हैं प्रेशर कुकर को गैस के ऊपर। इसमें डाल लेते हैं हम कुकिंग ऑयल। हम इसमें 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल यूज़ करेंगे। इसको कर लेते हैं हम अच्छे से गर्म। गर्म होने के बाद हम इसमें जो साबुत मसाले हैं ये डाल देते हैं। देखिए मसाले जो हैं हमारे अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। अब हम इसमें पेस्ट डाल देते हैं, जिंजर गार्लिक और ऑनियन का पेस्ट, और इसको भून लेते हैं। देखिए इसको भूनते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हो गए हैं। मैंने अभी कोई भी इसमें ड्राई मसाला नहीं डाला है। मैंने पहले इसका पानी जो है वो इसको ड्राई कर लिया। अब मैं जो ड्राई मसाले हैं, पाउडर मसाले, वो इनमें शामिल कर देती हूँ और इसको भी भून लेते हैं हम अच्छे से। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर देते हैं हम, ताकि जो मसाले हैं वो जले नहीं। देखिए जो मसाला है बहुत अच्छे से भून रहा है, लगभग बिल्कुल तैयार है ये। इसमें से ऑयल जो है सेपरेट हो चुका है। अब हम इसमें जो मसूर दाल है ये मिक्स कर देते हैं। हमने इसको पहले से वॉश करके रखी थी, हम इसे भी डाल देते हैं इसमें। इसको अच्छे से मिक्स कर लीजिए मसालों के साथ। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। लगभग 1 बड़े गिलास के करीब मैंने इसमें पानी डाल दिया है। अब प्रेशर कुकर को हम कवर कर देते हैं। और इसमें प्रेशर आने तक इंतज़ार करते हैं। देखिए इसमें प्रेशर आ गया था। अब उसके बाद मैंने जो है इसमें 2 प्रेशर देने के बाद इसको मैं चेक कर लूँगी। इसका पूरा प्रेशर भी जो है निकल चुका है। देखिए जो हमारी दाल है ये अच्छे से गल चुकी है। अब हम इसमें तुरई ऐड कर देते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद हम इसे भी कवर करके 1 प्रेशर इसमें भी देंगे। गैस की फ्लेम को ऑन कर देते हैं। देखिए इसमें भी 1 प्रेशर आ चुका है। जब इसका प्रेशर पूरा निकल गया, इसके बाद मैंने इसको प्रेशर कुकर को इसका जो कवर है ये हटा दिया और ये बिल्कुल रेडी है। अब हमें इसे डिश आउट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, बनकर तैयार है मसूर की दाल और तुराई की सब्ज़ी। ऊपर से हम इस पर गरम मसाला डाल लेते हैं। और थोड़े से हरे धनिए से गार्निश कर लेते हैं।
बहुत इजी और टेस्टी रेसिपी है, आप इसे बनाकर ज़रूर ट्राई करिए। और आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।